जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया है। मौलाना अरशद मदनी का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही यूपी में नफरत का खेल शुरू हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि कुछ लोग दंगे कराकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि लोग लॉकडाउन के दौरान धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरों की मदद कर रहे थे। महसूस हो रहा था कि कोरोना की दहशत ने सांप्रदायिकता की उस दीवार को तोड़ दिया है जिसे सियासत करने वालों ने अपने फायदे के लिए खड़ा किया था, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही फिर से धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बिगाड़ने का खेल शुरू हो गया है। कोरोना और लॉकडाउन भी इस नफरत के वायरस को खत्म नहीं कर सके। न्यूज़ डेस्क।